आम आदमी पार्टी के पंजाब के प्रभारी राघव चड्ढा की पंजाब में जालंधर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनकी धुनाई कर दी गई। मामला करप्शन का बताया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही ये बात सामने आई कि राघव चड्ढा ने किसी को टिकट देने के लिए बाकायदा उससे पैसे लिए हैं, जिसको लेकर इलाके का जो कैडर था आम आदमी पार्टी का वो भड़क गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही राघव चड्ढा की धुनाई कर दी गई और उसके साथ ही राघव चड्ढा भागते हुए नजर आए। अपनी गाड़ी में बैठ करके वो भागते हुए नजर आए, लेकिन उसके साथ ही लोगों ने उनको रोकने की कोशिश की, उनको इस पूरे मामले में लोगों ने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से पार्टी के जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आम आदमी पार्टी की, वहां पर किस तरह से हंगामा किया गया। लोगों ने रोकने की कोशिश की राघव चड्ढा को, उनसे बात करने की कोशिश की और उसके साथ ही राघव चड्ढा के खिलाफ नारेबाजी की गई, उनके खिलाफ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया जो पूरी तरह से उस पार्टी को सवाल खड़ा करती है, उस पार्टी के ऊपर जो करप्शन फ्री की बात करती है, जो ये कहती है कि हम करप्शन खत्म करने आए हैं। देखिए कुछ वीडियो। क्यों जा रहे हैं आप? डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो आप उनसे बात करिए ना, उनसे बात करिए। अगर आपसे नाराज चल रहे हैं उनसे बात करिए, ऐसे छुप के क्यों जा रहे हैं? अरे वीर जी मेरी गाड़ी में आ जाओ, मैं सर गप्पे मारेंगे। नहीं नहीं, लेकिन एक बात तो है ना, आपको छुप के जाने की जरूरत क्यों है? राघव चड्ढा जी भज रहे ने, भज रहे सर। राघव जी, राघव जी, Oh,
राघव चड्ढा जी भज रहे ने, भज रहे सर, राघव जी, राघव जी, राघव चड्ढा चोर है, चोर है, तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो कि अपने चीज भाजी सीधा सीधा आम पार्टी के सारे वर्कर नजायज हो गए जी भी हुई है। संजीव शर्मा जी को टिकट नहीं दी, जरा बंदा पैराशूट तो आया रमन अरोड़ा। तो देखा आपने किस तरह से राघव चड्ढा की न सिर्फ उनके साथ नारेबाजी की गई, धक्का मुक्की की गई, बल्कि पिटाई तक उनको की गई है। और उसके साथ ही जिस तरह के नारे लगाए गए हैं, सवालात खड़े हो रहे हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर, उसके साथ ही अरविंद केजरीवाल के ऊपर। जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जब मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, किस तरह से करप्शन के ऊपर उन्होंने भाषण दिया था, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। इस तरह के दर्जनों मामले आम आदमी पार्टी के टिकट बंटवारे को लेकर अक्सर सुर्खियों में आते रहते हैं कि पैसे की बुनियाद पर टिकट दिया जा रहा है, पैसा लेकर के टिकट दिया जा रहा है। इस तरह के इल्ज़ामात राज्यसभा के वक्त भी लगे थे, जब दो राज्यसभा सांसद दिल्ली से बनाए गए थे, उस वक्त भी इस तरह के आरोप लगाए गए थे कि उनसे पैसा लेने के बाद राज्यसभा की सीट दी गई है। हालांकि वो पूरा जो है उस पूरे मामले पर कुछ भी निकल करके सामने नहीं आया था, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से कैडर आम लोग इस पूरे मामले पर आरोप लगाते आ रहे हैं, देखिए ये बाइट। चोर है भाई, पैसे ले के टिकट बेचियो, बंद करो, एंड से आड़ के इन्होंने पैसे ले लेके टिकट बेच दिया। बीजेपी का बी टीम का नेता सिगा ओनू आम आदमी पार्टी दे विच शिफ्ट कर दिया। एकड़ी पार्टी या आरएसपी शुद्ध पार्टी। तो सुना किस तरह से आम आदमी का जो कैडर है वो खुलेआम मीडिया के सामने माइक पर ये बात कह रहे हैं कि पैसा लेकर के टिकट दिया जा रहा था, रंगे हाथों पकड़ा गया और उसके बाद उनकी धुनाई कर दी गई, वो यहाँ से भाग खड़े हुए। अभी इस पूरे मामले पर पार्टी लीडरशिप का कोई बयान नहीं आया है, जैसे इसमें कुछ अपडेट होता है तो फिर हम हाजिर होंगे। शुक्रिया, आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप भी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद। आराम।